Yeah. ये ऊपर देख के क्या हिसाब किताब लगा रहा है तू? मैं तारे गिन रहा हूँ बाजी। और तेरी अपनी शक्ल बाजियों वाली है, चलो होश में आ। जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। और तुझे इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलने वाला बच्चू। मुझे तुम्हारे शौहर के मरने का बहुत अफसोस हुआ बहन। और फिटे मुँह तेरा मनोस आदमी, सदाकत अभी जिंदा है। कौन सदाकत? मेरे शौहर सदाकत और कौन। और तू हिलना बंद कर मनोस आदमी। मेरी बहन, मेरी जरूरत पड़े तदफीन में तो मुझे बताना, जब तक तुम्हारे शौहर नहीं मर जाते मैं यही हूँ। और मैं उनके साथ ना तेरी भी मैयत उठा दूंगी, उठ दफा इधर से। 200 नोटों का माल होगा। चलता हूँ, चलता हूँ। ये इस तरह चलता है? यार मामो साहब, आपके मरने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रह गए। अरे तो तुम भी तो मेरे साथ ही हो। तुमने मुझे मरवाया नबील, आइंदा मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगा। अब तो वैसे भी आप मुझसे बहुत दूर हो गए मामो साहब। दूर? वो कैसे भाई? भाई जाहिर ही बात है ना, मैं तो जाऊंगा सीधा जन्नत में, और आप जैसे गुनाहगार आदमी की जगह जो है वो तो सिर्फ जहन्नम ही है ना। तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम जन्नत में जाओगे और मैं दोजख में? मैं सदके जाऊं महमूद साहब, आपके मरते मरते कितने समझदार हो गए हैं आप। नबील, अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं मरते मरते तुम्हारा खून कर दूं। देखिए महमूद साहब, गुस्सा हराम है और आप गुस्से पे गुस्सा कर रहे हैं। क्या? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? अरे शायद तुम भूल गए हो अपनी मकारियों की लिस्ट। महमूद साहब, आपके कारनामों से तो बहुत छोटी है मेरी लिस्ट। अरे तुम्हारे काले करतूत सारी दुनिया जानती है नबील। अरे आपके कारनामों से भी ये दुनिया बहुत अच्छी तरह वाकिफ है महमूद साहब। देख लेना, तुम सीधा जहन्नम में जाओगे। आपको ड्रॉप करने नबील, हमारे मरने में लगता है तकरीबन 1.5 घंटा बाकी रह गया। देखते हैं किसकी माफी कबूल होती है किसकी नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। क्या ये लोग वाकई मर गए माँ जी? अब नबील, महमूद साहब। हाँ नबील, जानू इस आदमी ने तो कहा था कि जिसका भी स्केच बनाता है वो 5 घंटे में मर जाता है। हाँ, और इसने हमसे 60,000 रुपए भी लिए थे स्केच बनाने के। वो भाई मैंने झूठ बोला था, मुझे तुम दोनों शक्ल से ही घटिया लग रहे थे। मुझे यकीन था तुम किसी ना किसी का स्केच जरूर बनवाओगे मेरी बद्दुआ वाली बात सुनकर। ये नशे ही तो बड़ा ही वो निकला दिल। वो क्या माँ जी? वो जो तेरी बीवी है। खूबसूरत? नहीं खूबसूरत नहीं, शातिर। हाँ ये तो बड़ा शातिर निकला। चलो शातिर के बच्चे, 60,000 निकाल हमारा। उन पैसों की तो मैंने चरस ले ली। चरस लोगे? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मैं वो सब आज से मुकम्मल और मुसलसल और लगातार इंसाफ देना है। वो जो आज हमने इसको देना है वो भरपूर और लगातार इंसाफ है। हाँ जी। आइए आइए।